लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद माननीय श्री चिराग पासवान जी के अध्यक्षता में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शामिल प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भुवनेश्वर पाठक, अरवल जिला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र रंजन, जिला महासचिव उदय पासवान एवं पार्टी के सम्मानित नेतागण। ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने की मांग, सबसे पहले उसकी आवाज अगर किसी नेता ने उठाई तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उठाई, और न सिर्फ हमारे बल्कि उसको जब तक लागू नहीं कर पाता उनसे मैं कभी नजर नहीं मिला पाता। अगर ये समझौता मैं उसको कर लेता, मेरे नेता ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया तो मैं कैसे करता। भले वो 2002 में गोधरा को लेकर उनका इस्तीफा देने की बात, जब उनको लगा कि समाज में कहीं अन्याय है, जब उनको लगा कि किसी के साथ अन्याय है, उन्होंने बिना इस बात की परवाह किए हुए कि वो किस पद पर है, किस गठबंधन में है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, उन्होंने प्रमुखता से उसके खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। अभी अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के आगे झुकना पड़ा और SC ST एट्रोसिटी एक्ट को उसी तरीके से पुनर्स्थापित करना। तो बताइए मुझे कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा धर्म, ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने की बात हो, सबसे पहले उसकी आवाज अगर किसी नेता ने उठाई तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उठाई, और न सिर्फ हमारे पास बल्कि उसको जब तक लागू नहीं करवाए तब तक उन्होंने चैन की सांस ली। और हकीकत भी यही है, हकीकत भी यही है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो समाज में बंटवारा कर रहे हैं, नाम पर कभी अंग्रा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम अलग अलग तरीके बोली पे हाथ दिला के दिनों में बोली को लेकर भाषा को लेकर मतभेद उत्पन्न करना चाहते। ऐसे में एक अहम भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं का, हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश और हमारी ताकत यही है हमारी विभिन्नता में, भले हमारी वेशभूषा अलग हो, हमारी बोली अलग हो, हमारे कल्चर अलग हो। आज इसी कमरे में देख लीजिए एक मिनी इंडिया यहां पे मौजूद है। कौन सा ऐसा जिला है भारत का जिसका प्रतिनिधित्व इस कमरे में नहीं होगा? अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, पर हम सब एक है अपने सिद्धांतों को लेकर, अपने विचारों को लेकर, और यही खूबसूरती हमारे देश की, और ये जिम्मेदारी हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की बनती है कि भारत की एकता, भारत की अखंडता को किसी भी कीमत पर, भले लाख ऐसे तत्व हो जो समाज में विभाजन करने का प्रयास करें।